जोगिंदर मोर जी, आरोप है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई निजीकरण नहीं हो रहा है, बेवजह सड़कों पर है रोडवेज कर्मचारी। सरकार जो है ये हर मोर्चे पे विफल होती जा रही है। सभी डिपार्टमेंटों का, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे हर डिपार्टमेंट का, इन्होंने बताने के लिए उस पर दे गए। जब ये बताइए कि जिस प्रकार से बसें जो जिनका टाइम पूरा हो रखा है, अभी जो मतलब यूनियन के ऊपर प्रधान थे दलाल साहब, वो बता रहे थे, तो पहला सवाल तो ये बनता है सरकार से कि जल्द जितनी बसें रिटायर हो रही है, बसें क्यों नहीं करेंगे। पहले 1993 की जो पॉलिसी थी, वो अगर बसें ली गई थी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बहुत लोगों को, ये बसें जो यूं करें निजीकरण नहीं, तो और क्या है, जब एक व्यक्ति की बस होगी, किलोमीटर पे बस दी जाएगी, किलोमीटर का किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, तो निजीकरण नहीं तो क्या है। हरियाणा रोडवेज को अगर आप देखेंगे, हरियाणा रोडवेज की एक अपनी एक साख पूरे भारत के अंदर, अगर वो आप देखेंगे जन सुविधाओं के मामले में ये देखेंगे, अगर हरियाणा रोडवेज को घाटे में पहुंचा रखा है तो इनकी नीतियों ने पहुंचा रखा है जो चीजों में। और अगर देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार ने, ये जो आरोप तो लगाते हैं, कांग्रेस की सरकार से जब सत्ता इनको मिली तो इस देश के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का था, आज 3,24,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है इस प्रदेश की जनता पे चढ़ा चुके हैं। अगर इनसे पूछा जाए तो किस प्रकार से, क्या से, और कहा किस प्रकार से 3,24,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, जो 8 साल में इन्होंने मतलब इस प्रदेश पर लाभ दिया है, ऐसी कौन सी सुविधाएं दी है, ये जो है स्वास्थ्य का निजीकरण कर रहे हैं, ये शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं चिराग के बहाने, ये अब रोडवेज का निजीकरण कर रहे हैं। अगर जब ये 1-1 करोड़ रुपए की, ये अमूलचूल परिवर्तन इस प्रकार नहीं हुआ करते, अगर इनके नियत में खोट नहीं तो अभी विधानसभा सत्र का है, ये हमेशा इस सरकार की, और बार बार ये कह रहे कि सरकार तय करेगी। सरकार अगर मान लो कोई नीतियां विपक्ष इस प्रकार से जनता के विरुद्ध करेगी तो सरकार जनता उसका विरोध करेगी, और जो यूनियने हैं उनका विपक्ष से क्या लेना देना है। ये बेवजह है कि एक आरोप लगा रहे हैं कि यूनियने डिपार्टमेंट का हित भी देखती है। आज तक विपक्ष को तो अपनी आवाज उठाएगा, अगर सरकार जनता के आईटी में काम करेगी तो विपक्ष आवाज क्यों उठेगा।